तो मेरी बात सुनो, आप खाते में लेना चाहते खाते में पेमेंट लेना ना, और ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन ले लेना, घर पे पेमेंट आके दे जाएंगे आपको। तो मैडम मेरा जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मिलने वाला एक ऐसे बायर के नंबर साथ ही दोस्तों वो किस प्रकार अपने कॉइन्स वगैरह नोट वगैरह खरीदते हैं। दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें कॉइन्स वगैरह ऑनलाइन कैसे बिकेंगे या कौन से सिक्के बिकते हैं, अब कौन से नोट वगैरह कौन से पुराने वो सिक्के हैं या पुराने एंटिक आइटम्स जिनकी सेलिंग होती है या कोई बायर उन्हें खरीदता है। फाइनली दोस्तों ऐसे आपके सवाल है और साथ ही आप कहते हो कि सर हमें नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो बिल्कुल आज हम एक ऐसे ही बायर से कॉन्टेक्ट करेंगे क्योंकि उनका हमारे पास में आया था एक मैसेज। मैसेज में उन लोगों ने हमें बताया था कि हम कॉइन्स वगैरह खरीदेंगे। तो फाइनली दोस्तों उनका एक रिकॉर्डिंग भी आया है, ये एक मैडम बता रही, तो चलो हम बात कर लेते हैं, एक बार बात करके ही जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे कॉइन्स वगैरह खरीदते हैं। तो सुनिएगा। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार जी, बोलो भैया। जी मेरे को ये सिक्के वगैरह ट्रैक्टर वाला नोट वगैरह बेचना था। हाँ तो भेजना, तो भाई आपको प्राइस बता दिया ना, उन्होंने व्हाट्सएप चेक कर लो पूरा सिस्टम वाला। ये 45 लाख रुपए आपने बताए। हाँ तो अपना अपना आधार कार्ड का फोटो लगा था दोनों साइड से, वन सेल्फी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो मैडम, मतलब कंपनी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ भैया। दिल्ली से? ये कॉइन्स एग्जीबिशन? जी जी। अच्छा अच्छा, तो मैडम कैसे क्या प्रोसेसिंग रहेगा? देखो अपना आधार कार्ड का फोटो सेंड कर दो दोनों साइड से, आपका वन सेल्फी 1200 रुपए खर्चा आएगा, जैसे भी तुरंत कर जमा करा देते हैं, मैं तुरंत फाइल बना देता हूँ, कल आपको फिर 11 बजे पेमेंट मिल जाएगा, 11-12 बजे। ठीक है, मतलब कल मिलेगा पेमेंट हमें? हाँ कल मिलेगा, जैसे भी जमा करा देते हैं आधार कार्ड का फोटो, वन सेल्फी 1200 रुपए। ठीक है, पूरे मतलब 45 लाख कल हमारे अकाउंट में आएगा कैसे? नहीं वो कैश में दे जाएगा, जो आप कह रहे हैं एरिया बैंक पड़ते हैं ना, उससे कॉन्टेक्ट करके आपको कैश में पेमेंट दिया जाएगा और आपसे नोट सिक्के लिए जाएंगे। मतलब मेरे एरिया में तो सभी बैंक वगैरह है, जैसे कि SBI भी है, यूको भी है, HDFC भी है। हाँ जो भी है, जो भी आप जो भी पड़ते हैं ना, उससे कॉन्टेक्ट करके आपको कैश में पेमेंट दिया जाएगा। बैंक है मेरे यहाँ पे, तो कौन से बैंक से आएंगे? ना मेरी बात सुनो, जो हिसाब देके जाएगा, जिस बैंक में पेमेंट निकल जाएगा ना, तक पैसा निकल जाएगा जी, उसमें जिसमें से इकट्ठा कर जाएगा ना 35 लाख रुपए, 45 लाख रुपए उसमें से ले जाएंगे, और जो छोटे बैंक उसमें से नहीं करा जाएंगे। अच्छा मतलब SBI है सबसे बड़ा बैंक? तो हाँ, तो उधर से ही करवाएंगे, जिधर जो ज्यादा बैंक बड़ी बैंक है। तो अच्छा, तो मैडम आपका क्या नाम जी? है? मेरा नाम भैया पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी, तो मैडम मतलब मेरे को ये क्या 1250 रुपए क्या बताया आपने? भैया 1200 रुपए लगाने होगा, जैसे अभी तुरंत लगा देते हैं, मैं तुरंत फाइल बना देता हूँ, फिर आपको कल 11 बजे पेमेंट मिल जाएगा। तो मैडम मतलब कौन से नंबर पे लगाना है, किस पे? मैं आपको कंपनी का बार कोड दूंगा, उस पे लगा के नहीं, मेरे को तुरंत स्क्रीनशॉट देते ना, मैं तुरंत फाइल बना देता हूँ। और ये मैडम फ्रॉड तो नहीं होगा ना मेरे साथ में? नहीं भैया आपके साथ कोई फ्रॉड ना होगा, क्योंकि मैडम मैं 2-3 बार पहले भी ठग चुका हूँ। अच्छा हाँ, तो क्या है ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस टाइम ऑनलाइन? अच्छा तो भैया मेरी बात सुनो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना होगा, जैसे अभी तुरंत जमा करा देते हैं, मैं तुरंत फाइल बना देता हूँ। अच्छा, तो मतलब 1200 रुपए में आपको सेंड कर दूं मैडम? हाँ आप तो कर देना, अभी तुरंत तुरंत सेंड करके ना मेरे को तुरंत स्क्रीनशॉट दे देना, तो मेरे खाते में आ जाएगा अमाउंट फिर। आप आपके घर पे टीम आ जाएगा, फिर पेमेंट लेगा कल 11 बजे। तो आप देखो मेरी बात सुनो, आप खाते में लेना चाहते खाते में पेमेंट लेना ना, और ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन ले लेना, घर पे पेमेंट आके दे जाएंगे आपको। तो मैडम मेरा अभी तो क्या कोई बैंक में खाता तो है नहीं, मैं खाता मतलब बनवा लूं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, बनवा सकते हो। तो आपके पास वो 1200 रुपए किस प्रकार सेंड करूँ मैं, कहीं जाके कहीं दुकान से करवा दूँ? हाँ दुकान से जाके करा दो, मैं कंपनी का बारकोड सेंड करता हूँ। ठीक है मैडम, एक ये कहना, माता वैष्णो देवी के सिक्के और भी है मेरे साथियों के पास में भी? भैया मेरी बात सुन, जो आपने फोटो सेंड करा का इसका तो आपको ऑनलाइन कैश में करा जाएगा, जो और आपके पास जो आपका कोई गांव में बढ़ता है, जो कोई और सिस्टम है यार दोस्तों, उसको फिर आपको ऑनलाइन करा जाएगा घर पे आके, क्यों बंदा इतने की पेमेंट ले जाएगा जितने का आपसे बोल दिया। अच्छा, वो फालतू नहीं ले जाएगा। हाँ तो मैडम माता वैष्णो देवी वाले खरीदते तो ना? हाँ खरीदते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर ऑनलाइन करा जाएगा पेमेंट। अच्छा तो मैडम ये दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन में आपने स्टॉल वगैरह लगाया था क्या? मैं गया था वहाँ पे। नहीं यार नहीं, उधर नहीं पाएगा, ऐसे देखो चांदनी चौक में ये वैसा नहीं लग पाता है। अच्छा, अच्छा। ये एक तो ऑफिस रहती है, मैं उसको आपको फोटो सेंड कर देता हूँ, जो ऑफिस है ना उसका। जी जी जी।
हाँ जो करते मैं आपको कंपनी का बार कोड सेंड करता हूँ, अभी मेरे को तुरंत लगा के स्क्रीनशॉट दे दो, कितना टाइम लगाता है बता दो भैया। मैडम अभी करवा दूंगा मैं तो 5 मिनट, मेरे को वो ऑफिस का फोटो और वो सेंड करो एक बार। किसका फोटो किया भैया आपने बताया ना, ऑफिस का फोटो सेंड कर दूंगी। हाँ हाँ बता देता हूँ, सेंड करता हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ ठीक है भाई, ठीक है मैडम ठीक। तो दोस्तों सुना आपने, पूजा कुमारी नाम है, पूजा कुमारी फाइनली कॉइन्स खरीदी है दिल्ली के चांदनी चौक से है। अभी ये हमारे पास बताएंगे, इनका जो ऑफिस है उनका फोटो भी सेंड करेंगे और इन्होंने बिल्कुल कहा है कि 1200 रुपये हम लेंगे, तो फाइनली फ्रॉड है। तो अभी इनकी वाट लगाने वाले हैं, सुनिएगा दोस्तों कैसे इनकी वाट लगाएंगे कि 1200 रुपये ले के हमारे कॉइन्स कौन खरीदता है, तो वास्तव में ये क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बार बार कहा था, इसे रजिस्ट्रेशन चार्ज RBI लेटर के नाम से, फाइल चार्ज के नाम से आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। मेरे को 45 लाख बताए गए थे, वो भी इन नोट्स के, जो 7-7 रुपए में हर एक के पास मिल जाएंगे, 5 रुपए में मिल जाएंगे। एक चाय की दुकान वाला जब भी आप 10 रुपए दोगे तो आपको वो सिक्का या वो नोट आपको वो 5 रुपए में देने वाला है। तो बिल्कुल माता वैष्णो देवी वाले और ट्रैक्टर वाले नोटों को लेकर मैंने इनसे बात की है। इनके बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी कि हम आपके सिक्के खरीदेंगे, क्या सच में आप सिक्के बेचना चाहते हो। तो फाइनली देखेंगे कौन से ऑफिस के ये फोटो सेंड करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो फाइनली आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो सकता है दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक से बताया जाता है। और ये भी बताते हैं कि आपके जो भी नज़दीक का बैंक है या जो भी SBI हो, UCO हो, HDFC हो, वो आपको घर आके पैसे देगी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के जाल में नहीं आना है। फाइनली मैं फिर से एक बार कॉल कर रहा हूँ इनको, क्या बताते हैं, चलो अपने बारे में इनको बताते हैं फिर क्या बोलते हैं। हेलो हाँ भैया, करता हूँ। मैडम सुनो। हाँ जी। मैं ट्रू इवेंट से रोहित बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ तो सच में बिकेगा मैडम? अरे भैया यार कैसी बात कर रहा है यार, देखो एक कंपनी हमारी, आपके पास फोटो आ गया, ओल्डकॉन ये कंपनी हमारी, चेक कर लो। अच्छा मैडम, मतलब इंडिया के अंदर हाँ। कहीं पे भी वर्ल्ड में कंपनी नहीं है कॉइंस की कोई सी भी? अरे आपके साथ कोई सिस्टम नहीं, और इसमें कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं, आपका काम हो जाएगा भैया। मैडम मैं ट्रू इवेंट से रोहित बात कर रहा हूँ। अच्छा भैया, मैं क्या जानता भैया, देखो आप जिधर कभी हो, देखो चेक कर लो आपके पास आ गई कंपनी, ये रात का फोटो खींचा। सिक्के वगैरह नोट वगैरह आप खरीदते हो रियलिटी में, तो मैं आपको हजारों की संख्या में दिलवा सकता हूँ, मेरे काफी साथी टच में है। आपने देखा होगा कोई वीडियोज के अंदर, तो फाइनली ऐसा कुछ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन RBI लेटर, बैंक लेटर, फाइल चार्ज के नाम से पैसे जमा कराई। जी जी, तो बिल्कुल ये सब फ्रॉड वाला सिस्टम है मैडम। और आप हो सके तो अगर आप रियल में कॉइन्स वगैरह खरीदते हो तो हमसे मुलाकात कर सकते हो जी। हेलो अच्छा मैडम, क्या आप मुलाकात कर सकते हो हमसे? अरे भैया आपने पहले कंपनी का फोटो चेक करो, आपको विश्वास नहीं आएगा, आपका काम सच में कंफर्म हो जाएगा। एक मिनट फोटो चेक करता हूँ। दोस्तों फोटो चेक करने की बात हो रही, और फाइनली वही फोटो है जो मैंने बार बार गूगल के ऊपर देखा। ये देखिए गूगल के ऊपर मैंने ये चीज़ें देखी है काफ़ी ज़्यादा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम 100% फ्रॉड, 100% नहीं, 100% नहीं, 200% पूरा ये फ्रॉड सिस्टम है। आपको मैं दिखाता हूँ फोटो, ये देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये इस प्रकार से डाल रखे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए दोस्तों फोटो, ये फोटो देख सकते हो, बिल्कुल कॉइंस लिखा हुआ है, लेकिन कैसा कॉइंस ये बताते हैं कि ऐसी कंपनी है हमारी। तो कंपनी वाले 100% फ्रॉड है, तो ऐसे फ्रॉड के जाल में मत फंसना दोस्तों। आपको गुमराह करने के लिए अपने बैंक का नाम लिया जा सकता है, तो फाइनली ये सब फ्रॉड है। तो दोस्तों आप लोग इनसे बच के रहना, आगे मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा जो दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशंस के अंदर काफ़ी लोगों के कॉइन्स वगैरह सेल हुए, जो हमारे ट्रू इवेंट फैमिली के मेंबर थे, उनके वो कॉइन्स सेल हुए। अब कौन से कॉइन्स हुए तो उस वीडियो में बिल्कुल साफ बताने वाला हूँ, उनसे बात करूँगा, लाइव बात करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,
राम राम।